तो आज हम करने वाले हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस के फंक्शन। ठीक है, लुकअप एंड रेफरेंसेस में उसमें सबसे पहला फंक्शन है एड्रेस। एड्रेस क्या करता है? एड्रेस बनाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर डालूं तो ये मुझे एड्रेस बना के दे देगा। ठीक है, पर ये एड्रेस अभी टेक्स्ट है। टेक्स्ट को एड्रेस में बदलने के लिए इनडायरेक्ट का एक फार्मूला चलता है, क्योंकि अगर मैं इक्वल टू ये करता हूँ A1 तो मेरे को A1 में लिखी हुई वैल्यू दिखाएगा, पर A1 के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस की वैल्यू चाहिए, तो इनडायरेक्ट का फार्मूला है जिसको हम इसमें रेफरेंस देंगे। तो इसके अंदर का टेक्स्ट को ये एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे B1 था एड्रेस तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो वहाँ आ जाएगा। तो मेजरली ये फार्मूला जो है डायनेमिक चेंज के काम आता है। ठीक है, जैसे कि मेरे को किसी ने बोला था, अभी मैं उसका एग्जांपल भी देता हूँ बाद में, उससे पहले मैं और फार्मूले आगे दिखा देता हूँ। ठीक है, एरियाज़ का फार्मूला है तो बेकार ही, पर फिर भी बता देता हूँ क्या काम करता है। जैसे कि रेफरेंस है इसमें अलग अलग, तो ये बताता है कि कितने सिलेक्शन उसके अंदर हुए हैं। जैसे 3 एड्रेस रेंज हैं तो एरिया वही बताता है आपको। ठीक है, एरिया के अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा चूज़ का। चूज़ को देखते हैं किस काम आता है। जैसे कि ये मैं चाहता हूँ कि नंबर डालूँ और जनवरी फरवरी आ जाए। ठीक है, ऐसा फंक्शन चाहता हूँ मैं। तो चूज़ बेसिकली होता है कि आपका इंडेक्स नंबर है इसमें, तो जो भी इंडेक्स नंबर डालोगे फिर उसके बाद ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर देता हूँ, तो जो इंडेक्स नंबर यहाँ पड़ेगा उस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 1 करा तो 1 यहाँ से वैल्यू 1 से आ गया। ठीक है, 3 करूँगा तो 3rd इंडेक्स से आ जाएगा। तो मतलब इसमें इंडेक्स पड़ता है और वो इंडेक्स के बेस पे इनमें से वैल्यू वो उस नंबर की वैल्यू को उठा के दे देगा। तो अब जैसे मुझे जनवरी फरवरी लगाना है कि मैं यहाँ पे कुछ भी डालूं नंबर 1 से 12 तक, तो जनवरी फरवरी में आ जाए। तो सबसे पहले मुझे फार्मूला में डालने के लिए टेक्स्ट बहुत लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक आसान तरीका कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ गया मैं फिल में, उसमें जाने से पहले इसको इतना वो करना है कि ये एक सेल में उसकी जगह बन जाए। तो फिल में गया, जस्टिफाई कर दिया, एक सेल में आ गया। ठीक है, अगर वापस इसको वैसा करना हो मल्टीपल सेल में स्प्लिट, तो उसमें इतनी जगह छोड़नी है कि खाली एक ही वैल्यू आ पाए। ठीक है, फिर जाएंगे फिल में जस्टिफाई, तो ये फिर से स्प्लिट कर देगा। तो अभी मुझे वो मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए, फिल जस्टिफाई। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, फाइंड रिप्लेस में जाता हूँ, फाइंड में करूँगा स्पेस, और जहाँ स्पेस है वहाँ हो जाए मेरा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ये। ठीक है, रिप्लेस करूँगा, इस तरीके से आ गया। अब इसमें मुझे बस पहली वाली वैल्यू के आगे वो लगाना पड़ेगा और लास्ट वाली के आगे, तो फार्मूला इनपुट के लायक मेरा जो है बन गया है। ठीक है, इसको कट कर लिया मैंने, यहाँ से यहाँ पे गया और ये जगह वैल्यूज जहाँ थी वहाँ पेस्ट कर दिया, और ये इंडेक्स नंबर मैं सामने वाली, हाँ इंडेक्स नंबर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालूँगा तो इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू का वो दे देगा, 2 3 4 12। ठीक है, तो ये चूज़ का फार्मूला आपके बहुत काम आता है इसमें।
ठीक है, ये ऑटोमेशन में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास हैं रो कॉलम का फार्मूला है। ठीक है, रो क्या करता है, करंट रो नंबर देता है। ठीक है, और अगर इसमें कोई रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया जाए तो ये उसका रो नंबर दे देता है। ठीक है, इसी तरह कॉलम है आपका, करंट कॉलम नंबर देगा, और कोई रेफरेंस चूज करोगे तो उसका कॉलम नंबर दे देगा। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, मान लो कि जैसे हम सीरियल नंबर लगाते हैं, कोई डेटा होता है हमारा, अब इस पर सीरियल नंबर लगाते हैं, तो वो सीरियल नंबर में अगर आपको डिलीट करना है तो बार बार सीरियल नंबर चेंज करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। तो इसकी जगह मैं लगा सकता हूँ रो का फार्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कोई अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो रो नंबर तो वही रहेगा आपका, है ना, तो इस कारण आपके सीरियल बिगड़ेंगे नहीं। पर मान लीजिए कि आपके यहाँ तक हेडिंग होती है, यहाँ से वन शुरू होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डाटा आपका नीचे से शुरू होता है, मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो करंट रो नंबर दे रहा है इसमें माइनस ऊपर वाली रो कर देंगे, माइनस सिक्स कर देंगे। ठीक है, सात में से एक गए एक, बाकी सब में से वही छः माइनस कर दिया, ठीक है, वो नंबर माइनस कर देंगे, तो आपका सीरियल वहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप डिलीट करेंगे तब भी वही बात है। और एक जगह यूज़ होता है कि जैसे मैं एंट्री करूँ तब सीरियल नंबर आ जाए, मान लो कि एक फॉर्मेट बनाया आपने और आप कह रहे हो कि मैं इसमें एंट्री करता हूँ तब नंबर आ जाए ऑटोमेटिक, तो मैं इसको फॉर्मूले में डाल दूँगा। ठीक है, ये करूँगा कि इफ़ अगर मेरी बगल वाली सेल जो है, ठीक है, इक्वल टू ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक रहे, अदरवाइज ये फार्मूला चलता रहे। ठीक है, अब मैंने ये फार्मूला ड्रैग कर दिया नीचे, तो अब मैं कुछ भी एंट्री करूँगा यहाँ ऑटो नंबर की तरह आता जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे लॉजिक से काफ़ी सारे ऑटोमेशन हो जाते हैं, सेम चीज़ कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं और कौन से फॉर्मूले हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रांसपोज का फॉर्मूला है, जैसे ये डाटा आपका कोई भी डाटा पड़ा है, अब रो से कॉलम में करना है, कॉलम से रो में, रो से कॉलम में करना है, तो वो ट्रांसपोज हम करते थे उसमें। उसमें क्या होता है कि आपका डेटा जो होता है, ये जो डेटा है आपका लिंक्ड नहीं रहता है, मतलब यहाँ चेंज करते हैं तो यहाँ चेंज नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोज का फार्मूला। पर इसको लगाने का तरीका अलग है, हम करेंगे ट्रांसपोज, पूरा ये सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, अभी ऐसे ही एंटर कर देंगे, फिर वो एरिया जिसमें वो अप्लाई होना है, F2 के एडिट मोड पे गए, अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, ये आ गया। तो अभी उसमें फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रांसपोज है, ये एक तरह का एरे फार्मूला है, ये जो ब्रैकेट है ये अपने आप ऑटोमेटिक आते हैं जब हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाते हैं। ठीक है,
तो ट्रांसपोज का फार्मूला है। कई बार लोग चाहते हैं कि मैं ड्रैग करूं, जैसे ये वैल्यू है, अगर मैंने लिंक दिया, ट्रांसपोज का ही दूसरा तरीका दिखा, ठीक है, तो मैं ड्रैग करूं तो ये 29 और 76 की बजाय मेरा आए 60 68 31, नीचे ही ड्रैग करना चाहता हूं इस तरीके से। तो इसको मुझे थोड़ा सा फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। मैं डालूँगा इसमें इनडायरेक्ट का फार्मूला यूज़ करूँगा, पहले तो मैं वो करूँगा क्योंकि जैसे लिंक देना है मुझे, तो इनडायरेक्ट इसमें चूज़ कर लिया कौन सा वो है, डी कॉलम है, ठीक है। अब डी कॉलम से ई कॉलम बदलेगा, ई से एफ बदलेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एड्रेस जो नंबर में डील कर सके। रो नंबर मैंने कहा यही रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा, फर्स्ट रो रहेगी, और कॉलम नंबर ये बढ़ता जाएगा। तो कॉलम नंबर को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे रो में बढ़ रहा हूँ तो यहाँ करंट रो 10 दे रहा है, तो यहाँ उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रो माइनस वो चाहिए, क्योंकि ये चौथा कॉलम होगा, ए बी सी डी चौथा कॉलम होगा, डी है, तो 4 लाने के लिए, 10 में से 4 लाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा 6, ठीक है। तो अब इसको करूँगा, ये एड्रेस मुझे उसका एड्रेस बना देगा, इनडायरेक्ट उसे कन्वर्ट कर देगा वैल्यू में। तो जब मैं ये ड्रैग करूँगा, ठीक है, हो गया। तो इसी तरह से ये फार्मूले जो हैं लॉजिक लगा के आपका कोई भी काम कर देंगे, ठीक है। पर अगर आप चाहते हो कि मैं कॉलम में ड्रैग करूं और वो रो में ड्रैग होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोज में हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो रो बढ़ानी है तो आपको कॉलम का सहारा लेना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मैंने चूज़ किया, अब इसमें ए बी सी डी तो मैंने बढ़वाना नहीं है, तो डायरेक्ट मैं डी यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है, कि डी रहेगा मेरा। अब उसके बाद इसके पीछे के नंबर बढ़वाने हैं, तो मैं कॉलम में ड्रैग कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम चाहिए होंगे बढ़ाने के लिए, तो कॉलम करंट कॉलम कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 ए बी है 8, और मुझे यहाँ से चाहिए पहला, तो 8 में से 7 गए 1 आ जाएगा, D1 यानी कि, ठीक है। तो ये 60, और इसको जब मैं ड्रैग करूँगा यहाँ सेम नंबर, ठीक है। तो उन्हीं फार्मूला पे थोड़ी कैलकुलेशन लगा के हम ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके जो फार्मूले शुरू होते हैं वो है, सबसे पहला VLookup। VLookup आता है आपको, नहीं आता हमें, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रोल नंबर है, नेम हिंदी इंग्लिश मैथ, हम करते हैं कि यहाँ रोल नंबर है कोई, ठीक है, नाम दे देते हैं, ठीक है, और मार्क्स दे देते हैं, तो ये हमारा डेटा है कि मान लो कि एक रोल नंबर का ये रिजल्ट आया है हमारे पास, ठीक है। अब हमें इनमें से कुछ रोल नंबर जो चाहिए उनका रिजल्ट निकालना है, ठीक है।
मान लीजिए इन रोल नंबर्स का डेटा चाहिए मुझे, जैसे रिजल्ट निकला, मुझे अपने स्कूल के लिए रोल नंबर्स का डेटा चाहिए कि इनका क्या हुआ। तो इसका इसके लिए हम हमारे पास रोल नंबर है, तो जैसे रोल नंबर लिस्ट में ढूंढते हैं ना कि ये वाला रोल नंबर कहाँ पड़ेगा, एक यहाँ है, अच्छा नाम क्या है, फिर हिंदी, तो सेम ऐसे ही वी लुकअप करता है। तो वी लुकअप के पैरामीटर, चार पैरामीटर होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, जिसकी वजह से काम होता है। वी लुकअप लगाया हमने, लिखा, पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू, मतलब कि वो वैल्यू जो जिसके बेस पे आप ढूंढना चाह रहे हो, और आपने सिलेक्ट कर दिया कि इसके बेस पे ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर टेबल एरे, किस में ढूंढना चाह रहे हो, तो आपको कंप्लीट डेटा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टेबल एरे। फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप वैल्यू तो ढूंढना चाह रहे हो पर आपने मल्टीपल कॉलम दिए हुए हैं, कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन में पहला कॉलम रोल नंबर है, दूसरा नेम है, तीसरा हिंदी है, इंग्लिश चौथा, मैथ पाँचवा, तो वो कॉलम इसमें देना होता है। तो नेम के लिए क्या आएगा, दो कॉलम इंडेक्स, दो, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हो कि एग्जैक्ट चाहते हो, तो हम हमेशा एग्जैक्ट चूज़ करते हैं, फॉल्स देते हैं या ज़ीरो देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू निकल आई उस रोल नंबर की। पर इसको ड्रैग करने से पहले आपको कुछ डॉलर वगैरह लगाने पड़ते हैं, कि जैसे लुकअप वैल्यू के आगे डॉलर लगा दिया, ताकि जब मैं इसको इधर इंक्रीज़ करूं तो एच ना इंक्रीज़ हो, ठीक है, ये लुकअप वैल्यू छोड़ ना जाए अपनी प्लेस। दूसरा, ये मुझे कम्प्लीटली लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल भी तो ड्रैग हो जाएगी, तो ये कम्प्लीटली लॉक करना है, हाँ, फुल रेंज को। उसके बाद क्या है कि जब मैं ड्रैग करता हूँ तो मुझे हर जगह बस कॉलम इंडेक्स चेंज करना है, ठीक है, यहाँ तीन, यहाँ चार, नेम में मैंने गलत कर दिया, यहाँ तीन, चार और यहाँ पांच। उसके बाद ये वी लुकअप मैंने नीचे डाल दिया, ये आपका आ गया, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक क्या होती है, आपको ध्यान किस चीज़ का रखना होता है, कि जिस आईडी के बेस पे आप लुकअप कर रहे हैं वो आपके सिलेक्शन में पहला कॉलम होना चाहिए, ये ज़रूरी है, अगर ये बीच में होगा तो नहीं करेगा, मतलब आपका सिलेक्शन फिर वहीं से होना चाहिए, तो ये इधर वाली वैल्यू नहीं लेगा, हमेशा आपके पहले कॉलम के बाद वाली वैल्यू लेगा, इधर वाली वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है, वो ले ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वी लुकअप समझ में आया कैसे होता है, सेम चीज़ आपकी एच लुकअप से भी होती है। मान लो कि आपका डेटा है ट्रांसपोज, ठीक है, और सेम डिटेल जो आपको चाहिए वो चाहिए इस डेटा से, नीचे वाले से, तो बस करना क्या है कि ये वी लुकअप की जगह एच लुकअप करना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू आएगी, टेबल एरे जो है मेरा, पैरामीटर सेम है दोनों के, टेबल एरे आपका ऐसे हो जाएगा, जे L24 की जगह L18, ठीक है। अब इसमें कॉलम इंडेक्स की बजाय रो इंडेक्स है, ठीक है, रो इंडेक्स मतलब कि ये जो हेडिंग है आपकी जो पहले कॉलम में थी अब रो में चली गई है, तो आपके सिलेक्शन में कौन से नंबर पे है, सेम वैसे ही, तो दो का दो ही रहेगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे है ना सिलेक्शन में, एक दो, नेम दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो अब मैं ये फार्मूला ड्रैग कर देता हूँ और वही रो इंडेक्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे, रिजल्ट सेम मिलेगा आपको, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है और ये पांचवें नंबर पे है, तो आपका ये डाटा वैसे ही आ जाएगा। तो ये एच लुकअप और वी लुकअप के बीच का डिफरेंस है।
ठीक है, हाँ केवल लुकअप भी है, उसका यूज मैंने अलग चीज में किया था, वो दिखा देता हूँ आपका किस में होता है उसका यूज। लॉजिकल फार्मूला था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था, इसमें नहीं है। तो इस टेबल में जैसे कि मैंने ये वाला आपको फार्मूला बनवाया था, है ना, ठीक है, जिसमें हम सेल्स इंसेंटिव निकलवा रहे थे मिनिमम और मैक्सिमम, कि इन दोनों के बीच ये इंसेंटिव आएगा, इन दोनों के बीच ये इंसेंटिव आएगा, तो इसमें हमने इफ़ का फार्मूला लगाया था। अब यहीं पे हम वी लुकअप और लुकअप का फार्मूला भी लगा सकते हैं। देखो वी लुकअप का कैसे लगेगा, वी लुकअप लुकअप वैल्यू ये सेल्स हो गई, टेबल एरे में हमने ये चूज़ कर लिया। जैसा कि इसका रूल है, इसका लुकअप हमेशा पहले ही कॉलम में होता है। रिजल्ट कौन से कॉलम से चाहिए, थर्ड कॉलम इंडेक्स, और यहाँ पे अब अप्रोक्सीमेट मैच देना है ट्रू, ठीक है। तो ये कैसे कर पा रहा है, ये रिजल्ट आपका सही दिखा है। जैसे कि 40,000 की बात है, तो 40,000 जब यहाँ पे है तो इसके सामने तो ये तो मिल रहा है, पर इसको 37,000 में 200 क्यों दिखा रहा है, तो 40-20 के बीच में सबसे लोएस्ट में इनके बीच में 37 आता है, है ना, तो ये ऊपर वाले की वैल्यू दिखाएगा। इसका इस कॉलम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कि जो इस रेंज में उसकी जो सबसे लास्ट की वैल्यू होगी उसके बेस पे रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। जैसे 55,000 किसके बीच में आ रहा है, 40 से 60 के बीच में आया है, तो ये 40 की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। सेम काम आपका लुकअप करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अप्रोक्सीमेट मैच पे चलता है। इसमें क्या होता है, आपसे तो एक तो लुकअप वैल्यू मांग लेता है, फिर आपसे पूछता है लुकअप वेक्टर की, मतलब वैल्यू कहाँ लुकअप होनी है। अब इसमें पूरा सिलेक्शन तो देना नहीं है, तो इसमें आपको खाली ये कॉलम देना है जिसमें ये ढूंढेगा वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से ढूंढे तो रिजल्ट किस में से ले, उसके पैरेलली आपने कहा रिजल्ट इसमें से देना है, तो ये जब दोनों दे दिए तो कॉलम इंडेक्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही काम करता है। तो ये फार्मूला भी आपका इसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो वी लुकअप में ट्रू और लुकअप समझ में आ गया आपको कैसे चलेगा। इसके बाद तो क्लोज कर दे फाइल, थोड़ा सा हैंग लग रही है मुझे। तो ये आ गई हमारी फाइल। तो अभी हमने देखा वी लुकअप एच लुकअप, इसमें अब इसमें थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और देखते हैं मैच इंडेक्स, वो वी लुकअप विद मल्टीपल डेटा। कि मान लो कि ये डेटा आपका दो पार्ट में है कहीं, कि मतलब एक डेटा इधर तक है
उसके बाद ये डेटा आपका कहीं और पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देना है कि इनका, देखो यहाँ पे एन ए आ गया ना, तो एक इफ़ एरर का फार्मूला मैंने बताया था। तो इफ़ एरर का फार्मूला क्या करता है कि जब हम, अब जैसे ये वी लुकअप को मैं उसके अंदर डाल देता हूँ इफ़ एरर में, तो इसमें है एक वैल्यू ऑफ वैल्यू इफ़ एरर, तो वैल्यू में हम फार्मूला डाल देते हैं। अगर उसमें एरर आती है तो क्या देना है, तो जहाँ पे एरर आती है उसकी जगह हम दूसरा वी लुकअप दे देते हैं, ठीक है, कि लुकअप वैल्यू तो यही रहेगी हमारी, फ्रीज कर दिया मैंने। टेबल एरे इस बार ये वाला रहेगा, ठीक है, एरर आने के केस में यहाँ देखेगा वो, कॉलम इंडेक्स 2 और 0 या फॉल्स दे सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब जब आप इसको डाउन करोगे तो जहाँ पे एरर आई वो इसमें से वी लुकअप चला देगा, ठीक है, और इसमें आपको फिर ये कॉलम इंडेक्स दोनों में बदलना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब ये फार्मूला अगर आप लगा देते हो तो आपका दो डेटा में से आ जाता है। अगर मान लो तीसरा भी डेटा हो तो क्या करेंगे, ये दूसरे वाले वी लुकअप को इफ एरर में डाल देंगे और इसमें आपको एक वैल्यू इफ एरर और मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे कॉमा देके एक तीसरा वी लुकअप लगा सकते हैं, तीसरा चौथा कितने भी, समझ गए फंडा इसका कैसे चल रहा है। तो और देखते हैं वी लुकअप, उसके बाद इसमें पड़ता है आपका मैच इंडेक्स। मैच इंडेक्स ऑफसेट हम सोच रहे हैं कि कल किया जाए, ठीक है।